प्यारे व्यक्तियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पशु परिचर के पेपर के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं पशु परिचर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। सारे के सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? जूनागढ़, सोनारगढ़, भटनेर या फिर रणथंबोर? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। रावल जैसल भाटी के द्वारा कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो करेक्ट आंसर की बात करें, रावल जैसल भाटी ने देखिए आपके जैसलमेर के अंदर जो सोनार किला है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो ये आपके रावल जैसल भाटी द्वारा निर्मित दुर्ग है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देखिए आपके प्रमुख महल दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिले दे रखे हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है यही आप सभी को बताना है। देखिए बादल विलास, जैसलमेर, लालगढ़ महल, बीकानेर, जूना महल, डूंगरपुर और फूल सागर महल उदयपुर, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बादल विलास देखिए जैसलमेर के अंदर है, बाकी जगहों पर भी स्थित है लेकिन यहाँ पे जैसलमेर सही हो जाएगा। लालगढ़ महल बीकानेर के अंदर, जूना महल डूंगरपुर के अंदर, लेकिन यहाँ पे फूल सागर महल उदयपुर के अंदर दे रखा, जबकि ये गलत है क्योंकि फूल सागर महल आपके बूंदी के अंदर स्थित है, यहीं पे आपके फूल सागर झील भी स्थित है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह, सरदार सिंह, उमेद सिंह या फिर जुजार सिंह? करेक्ट आंसर बताना आप सभी को क्या हो जाएगा, सभी को इसका राइट आंसर बताना कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जसवंत थड़ा, जसवंत नाम से कभी कभार अभ्यर्थी दोस्तों जसवंत सिंह को करेक्ट कर देते हैं कि जसवंत थड़ा है, तो जसवंत सिंह ने ही बनाया है, लेकिन इसका निर्माण देखिए सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में करवाया था, तो ये सरदार सिंह ने बनाया था। ऐसा ही एक दोस्तों आपके लालगढ़ भी है, एक आपका लालगढ़ भी है जो कि बीकानेर के अंदर है, लालगढ़ दुर्ग, तो ये लाल सिंह ने नहीं बनाया था बल्कि गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनाया था, तो जसवंत थड़ा आपके सरदार सिंह ने बनाया था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, निम्न में से कौन सा फल सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है? अनार, चीकू, माल्टा या फिर आम? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। सिरोही जिले द्वारा दोस्तों अधिकांशतः कौन सा फल दोस्तों सर्वाधिक आपके उत्पादित किया जाता है यही आप सभी को बताना है। तो सिरोही जिला दोस्तों सर्वाधिक आपके चीकू का जो है उत्पादन करता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, जिला तथा शुभंकर त्रुटि युक्त पहचान, एक तरफ जिला दे रखा है, दूसरा उनसे संबंधित आपके शुभंकर दे रखा है, आपके 33 से में से 33 जिलों के शुभंकर आपको ध्यान रखने रखना है, यहां से एक प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो दोसा बिल्कुल दोसा का मगर, जालौर का बालू, अजमेर का खरमौर और भरतपुर का सारस, इसमें से कौन सा त्रुटि युक्त है? तो देखिए ये तीनों तो सही है, ये दोसा है मगर ये गलत दे रखा है क्योंकि मगर आपके 12 का है, मगर आपके दोस्तों 12 का है और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया, गजनेर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? करौली, बीकानेर, सीकर या फिर अलवर? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका क्या हो जाएगा। जो गजनेर वन्य जीव अभयारण्य है कहां पर स्थित है यही आप सभी से पूछा गया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो गजनेर वन्य जीव अभयारण्य आपके बीकानेर के अंदर है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, किस लोक देवता के महमूद गजनवी से, या किस लोक देवता ने, ठीक है ना, किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तेजाजी, गोगाजी, जाम्बूजी या फिर हड़बूजी? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता इनमें से कौन थे? तो वो थे दोस्तों आपके गोगाजी, जिसे दोस्तों आपके जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया है, वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहां पर स्थित है? नवलगढ़, गलियाकोट, बचोंडला या फिर मेहड़सर? करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। वीरों के स्मारक स्तंभ जो स्थान है वो कहां पर स्थित है राजस्थान के अंदर? तो ये बचुंडला प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। ये स्थान कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। तो यहां पर देखिए आपके क्या स्थित है, वीरों के स्मारक स्तंभ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1993, 1994, 1995 या फिर 1996? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था? तो इसका गठन आपके 1994 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2009, 2004, 2006, 2008? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, सभी को इसका राइट आंसर बताना है। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना के बारे में बात करूं, 2006 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, कालीबाई संबंधित थी, कालीबाई कहां से संबंधित थी? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या फिर प्रतापगढ़? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो कालीबाई भील थी दोस्तों वो कहां से संबंधित थी? तो ये आपके रास्तापाल से संबंधित थी, रास्तापाल गांव से संबंधित थी, और ये रास्तापाल गांव आपके डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है, जहां पर इनका स्मारक भी बना हुआ है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला पूछेगा देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को घटित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, 25 मार्च 1948 यानी कि दूसरा जो चरण था राजस्थान का, जिसे संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाता है, तो यहां पर दोस्तों कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? वैसे यह संयुक्त राजस्थान नहीं है, यह पूर्वी राजस्थान है, ठीक है ना। 25 मार्च 1948 को जो दूसरा चरण है वो संयुक्त राजस्थान नहीं है, संयुक्त राजस्थान आपके तीसरा जो चरण है ना, जिसमें मेवाड़ रियासत का विलय हुआ था वो है। यहाँ पर देखिए मेवाड़ रियासत जो कि तीसरे चरण में शामिल हुई थी कब, 18 अप्रैल 1948 को तीसरे चरण में शामिल हुई थी, तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, और क्लास के एंड में बताना यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। अगला प्रश्न पूछा गया है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, जगन्नाथ ने, हरिनारायण शर्मा ने, कांतिलाल ने या फिर गंगा प्रसाद ने, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। देखिए राजस्थान के दो प्रजामंडल है जिनकी स्थापना 1931 के अंदर हुई थी, एक तो आपका जयपुर का जिसकी स्थापना कर्पूर चंद्र पाटनी ने की थी, और एक आपका बूंदी का जिसकी स्थापना आपके कांतिलाल ने की थी। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था, बिजोलिया, बेंगू, अलवर या फिर सीकर, करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना क्योंकि डेली इसी तरह की क्लासेज आपको देखने को मिलेगी। तो राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था, तो ये आपके बिजोलिया से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 1897 से प्रारंभ हुआ था और 1941 तक यानी कि टोटल 44 सालों तक चला था राजस्थान का सबसे पहला संगठित और सबसे लंबा किसान आंदोलन। अगला देखिए, अगला पूछा गया 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी, बूंदी, करौली, झालावाड़ या फिर जयपुर, करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका क्या हो जाएगा। कोटा महाराव की सहायता के लिए कौन से राज्य ने, तो इसकी सहायता के लिए देखिए आपके करौली के शासक ने सेना भेजी थी, जबकि अगर आपसे पूछे राज्य से बाहर किसने सेना भेजी थी तो वो बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह, इन्होंने भेजी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा करौली, दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया हल्दीघाटी के युद्ध को बंदायुन ने किस युद्ध की संज्ञा दी, गोगुंदा का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खमनौर का युद्ध या फिर थर्मोपली का युद्ध, करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, सभी को इसका राइट आंसर बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए गोगुंदा का युद्ध, बिल्कुल बंदायुन ने देखिए हल्दीघाटी के युद्ध को जिस युद्ध की संज्ञा दी है वो आपके दिवेर का युद्ध है, वो आपके गोगुंदा का युद्ध है, जबकि खमनौर का युद्ध जिसने कहा था वो आपके अबुल फजल है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, जयपुर या फिर नागौर, करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार, तो बीहड़ भूमि देखिए आपकी चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, यहां पर देखिए धौलपुर और सवाईमाधोपुर ये दोनों तो सीधे साधे गलत हो जाएंगे, और इनमें भी अगर आपसे पूछे तो सवाईमाधोपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए पूछा गया तकड़ी सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है, बूंदी, बारा, कोटा या फिर झालावाड़, करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। तकड़ी सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से जिले से है, सभी को कमेंट में आंसर बताना है, तो इसका संबंध आपके कोटा जिले से है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है सहकारी क्षेत्र में इसबगोल का कारखाना कहां पर स्थित है, बीकानेर, आबू रोड, जोधपुर या फिर जयपुर, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसबगोल का कारखाना कहां पर स्थित है यही आप सभी से पूछा गया है, तो आबू रोड बिल्कुल दूसरा ऑप्शन, जिसने भी सही किया सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया मेवाड़ शासकों की कुलदेवी कौन सी है, बाण माता, शीला माता, करणी माता या फिर जीण माता, सभी को इसका आंसर बताना है। जो मेवाड़ शासकों की कुलदेवी है वो इनमें से कौन सी है यही आप सभी से पूछा गया है, तो मेवाड़ शासकों की कुलदेवी हो जाएगी दोस्तों आपके बाण माता, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने भरतपुर पर 5 बार आक्रमण किया था, लॉर्ड लेक, लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड वेलेजली, करेक्ट आंसर बताना आप सभी को। भरतपुर का देखिए जो लोहागढ़ दुर्ग है उस पर 5 बार दोस्तों जो है आक्रमण किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों आपके लॉर्ड लेक ने, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया सिरवी जाति खेती से जुड़ी हुई अधिकांश किस जिले में पाई जाती है, कोटा, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, जल्दी से इसका आंसर बताइए। सिरवी जाति दोस्तों जो खेती से जुड़ी हुई है सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है, आप सभी को मालूम है दोस्तों सिरवी जाति की जो आराध्य देवी है आई माता, इनका मंदिर आपके जोधपुर के ही एक स्थान है बिलाड़ा, वहां पर बना हुआ है, तो जोधपुर के अंदर आपके सर्वाधिक सिरवी जाति पाई जाती है, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर जयपुर, जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो सागरमल गोपा है दोस्तों इनका संबंध कौन से जिले से माना जाता है यही आप सभी से पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर की बात करें सागरमल गोपा देखिए आपके जैसलमेर से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक भी लिखी थी और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये दो पुस्तकें लिखी थी। अगला देखिए, अगला पूछा गया नवलदास जी का जन्म किस जिले में हुआ था, अजमेर, जोधपुर, नागौर या फिर चित्तौड़, करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा।
देखिए संत नवलदास ने आपके नवलदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, और अगर आपसे पूछे नवलदास संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है, तो प्रधान पीठ तो आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। जबकि इनका जन्म अगर आपसे पूछे तो जन्म आपके नागौर के अंदर हुआ था, तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, यहां पर आपसे पूछा गया है अपने संकीर्ण गलियारों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है, गागरौन का किला, नाहरगढ़ दुर्ग, भोपालगढ़ दुर्ग या फिर राजौरगढ़ दुर्ग। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। और यहां से कितने प्रश्न आपके सही हुए ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो अपने संकीर्ण गलियारों के लिए जो दुर्ग प्रसिद्ध है वो आपके भोपालगढ़ दुर्ग है, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।